Okay, hi everyone. So today let's discuss one interesting problem. So there are two identical balls, each having a charge of 2 into 10 raised to the power minus 7 coulomb and a mass of 100 gram are suspended from a common point by two insulating strings, each 50 cm long. The balls are held at a separation 5 cm apart and then released. Find the electric force on one of the charged balls, the components of the resultant force on it, along and perpendicular to the string, the tension in the string, the acceleration of one of the balls. Answers are to be obtained only for the instant just after the release. Okay. So आप देखो, what is given? पहले हम diagram draw कर लेते हैं. इस तरह से आपके पास कुछ system given है, right? ये हमारे पास दो strings हैं. दोनों strings का जो length है, वो same है. कितना length given है? 50 centimeter और you can say 0.5 meter. ये जो बॉल्स है ना, इनका मास आपको गिवन है, लेट्स से स्मॉल m. मास कितना है? 0.1 किलोग्राम. दोनों बॉल्स पे जो चार्ज है, लेट्स से q, जो चार्ज है दैट इज 2 into 10 raise to the power minus 7 कूलम, राइट? दोनों पे सेम चार्ज है. एंड इनिशियली दोनों बॉल्स के बीच में जो डिस्टेंस है, लेट्स से d, उसका वैल्यू भी आपको गिवन है. कितना डिस्टेंस है? 5 सेंटीमीटर और यू कैन से 0.05 मीटर. नाउ लेट्स से हम एक बॉल का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते हैं. इस वाली बॉल को देखो, इसमें कितने फोर्सेस लगेंगे? एक तो वर्टिकली डाउनवर्ड mg लगेगा, राइट? एंड इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन लगेगा. ये जो दूसरी बॉल है, ये इस बॉल को रिपेल करेगी. सो जो फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन, दैट इज सिंपली के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर, बिकॉज दोनों बॉल्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो डी है एंड दोनों बॉल्स पे सेम चार्ज है क्यू इंटू क्यू एंड क्यू, है ना? तो वो क्यू स्क्वायर हो जाएगा. एंड और कोई फोर्स लगेगा? ऑफ कोर्स, लेट्स से ये जो स्ट्रिंग है इसमें टेंशन टी है, देन इस डायरेक्शन में एक टेंशन फोर्स भी आएगा. तो कितने फोर्सेस हो गए? तीन फोर्सेस हो गए, एक एम जी, एक के क्यू स्क्वायर बाई डी स्क्वायर और एक टेंशन का फोर्स. नाउ आप देखो कि ऑप्शन ए तो काफ़ी सिंपल है ना. ऑप्शन ए में क्या फाइंड आउट करना है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन आपको फाइंड आउट करना है, के क्यू स्क्वायर बाई डी स्क्वायर का वैल्यू फाइंड आउट करना है. सो यहाँ पे आपके का वैल्यू 9 × 10⁻⁹ पुट कर देना, Q का वैल्यू 2 × 10⁻⁷ पुट कर देना, D का वैल्यू 0.05 पुट करके सॉल्व कर लेना, न्यूमेरिकल आंसर आ जाएगा. ऑप्शन बी में क्या है कि हमें, आप देखो ऑप्शन बी को आप एक बार रीड करो. द कंपोनेंट्स ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स ऑन इट अलोंग एंड परपेंडिकुलर टू द स्ट्रिंग, अलोंग एंड परपेंडिकुलर टू द स्ट्रिंग. जब हम इस बॉल को रिलीज करेंगे ना, देन आप इसे फील करने की कोशिश करो, ये जो बॉल है ना, ये किस तरह से मूव करेगी? एक सर्कुलर पाथ में मूव करेगी. इस तरह से मैं एक सर्कल ड्रॉ करता हूँ, ये सर्कुलर पाथ में, दोनों जो बॉल्स हैं वो सर्कुलर पाथ में मूव करेंगी, है ना? जिसका रेडियस कितना होगा? लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग. एंड जिस टाइम पे हमें स्टडी करनी है, टाइम t इज इक्वल टू जीरो पे, उस टाइम पे हमने इस बॉल को रेस्ट से रिलीज किया. सो इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जो स्पीड है बॉल्स का वो जीरो है, राइट? नाउ अलोंग द स्ट्रिंग वाला डायरेक्शन कौन सा है? ये डायरेक्शन है रेडियल डायरेक्शन. और परपेंडिकुलर टू द स्ट्रिंग वाला डायरेक्शन कौन सा है? टेंजेंशियल डायरेक्शन. सो व्हाट ही सेइंग कि आप रेडियल एंड टेंजेंशियल डायरेक्शन में नेट फोर्स फाइंड आउट करो. सो जब भी कोई ऑब्जेक्ट सर्क्यूलर पाथ में मूव करता है, सो जो नेट फोर्स आता है रेडियल डायरेक्शन में, वो होता है सेंट्रीपिटल फोर्स, है ना? एम वी स्क्वायर बाय आर. ये हमने काफी बार डिस्कस किया है. नेट फोर्स इन रेडियल डायरेक्शन वेन एवर एनी बॉडी इज मूविंग इन अ सर्क्यूलर पाथ, दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स, जिसका मैग्नीट्यूड होता है एम वी स्क्वायर बाय आर. सो यहाँ पे जो स्पीड है ना, स्पीड है, इनिशियल स्पीड जीरो है. सो वी कैन से कि इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा वो जीरो होगा. सो सेंट्रीपिटल फोर्स जीरो है, राइट? सो वी कैन से कि जो नेट फोर्स है रेडियल डायरेक्शन में वो जीरो होगा. नाउ रेडियल डायरेक्शन में हम पहले कंपोनेंट ले लेते हैं. सो उसके लिए पहले आपको एंगल पता होना चाहिए. सो यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो. लेट्स से ये एंगल थीटा है, राइट? सो आप देखो कि ये वाली साइड कितनी होगी, ये d बाई टू हो जाएगा. तो यहाँ से आप साइन थीटा इजिली फाइंड आउट कर सकते हो. लेट मी राइट इट हियर. साइन थीटा दैट इज सिंपली d बाई टू डिवाइडेड बाई ये जो लेंथ है l. सो थीटा आ जाएगा, थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ d अपॉन 2l, बिकॉज d का वैल्यू भी गिवन है और l का वैल्यू भी गिवन है. सो यहाँ से थीटा हमें पता है, राइट?
सो इफ दिस एंगल इज थीटा वी कैन से ये वाला भी एंगल थीटा होगा राइट. नाउ कंपोनेंट ले लो एम जी के कंपोनेंट देखो इस डायरेक्शन में एम जी का कौन सा कंपोनेंट आएगा एम जी का कॉस वाला कंपोनेंट आएगा कॉस थीटा और टेंजेंशियल डायरेक्शन में आएगा एम जी का साइन थीटा राइट. ये एम जी का साइन थीटा आ गया एंड अब देखो ये एंगल थीटा है सो ये एंगल 90 माइनस थीटा होगा सो ये एंगल थीटा हो जाएगा. सो के क्यू स्क्वायर बाई डी स्क्वायर के भी कंपोनेंट ले लेते हैं रेडियल एंड टेंजेंशियल डायरेक्शन में. सो इस डायरेक्शन में आएगा के क्यू स्क्वायर बाई डी स्क्वायर का कौन सा कंपोनेंट आएगा के क्यू स्क्वायर बाई डी स्क्वायर का आएगा कॉस थीटा राइट. और रेडियल डायरेक्शन में इस डायरेक्शन में आएगा के क्यू स्क्वायर बाई डी स्क्वायर का साइन थीटा. ये साइन थीटा राइट. नाउ हमने कंपोनेंट ले लिए. सो देखो मैं आपको एक फ्रेश डायग्राम दिखा देता हूँ. इस डायरेक्शन में आपके पास टेंशन है इस डायरेक्शन में आपके पास है के क्यू स्क्वायर बाई डी स्क्वायर का कॉस थीटा इस डायरेक्शन में है एम जी का साइन थीटा और इस डायरेक्शन में है एम जी का कॉस थीटा एंड एक और फोर्स है इसी डायरेक्शन में दैट इज के क्यू स्क्वायर बाई डी स्क्वायर का साइन थीटा राइट. नाउ नेट फोर्स इन रेडियल डायरेक्शन वो जीरो है. सो रेडियल डायरेक्शन में आप नेट फोर्स को जीरो से इक्वेट कर दो. सो दैट इज टी इज इक्वल टू एम जी कॉस थीटा प्लस के क्यू स्क्वायर बाई डी स्क्वायर साइन थीटा. सो यहां से आपको टेंशन का वैल्यू मिल गया. मैंने रेडियल डायरेक्शन में नेट फोर्स को जीरो कर दिया. एंड टेंजेंशियल डायरेक्शन में देखो कि टेंजेंशियल डायरेक्शन में जो है एम जी साइन थीटा एंड के क्यू स्क्वायर बाई डी स्क्वायर कॉस थीटा इसमें से जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा उस डायरेक्शन में ये जो बॉल है ये मूव करेगा. इफ एम जी साइन थीटा इज ग्रेटर देन ये जो बॉल है ये क्लॉकवाइज सर्क्यूलर मोशन करेगी एंड इफ एम जी साइन थीटा लेसर है देन यू नो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस बॉल का एक्सेलरेशन होगा और यू कैन से मोशन होगा. सो टेंजेंशियल डायरेक्शन में जो नेट फोर्स है नेट फोर्स इन टेंजेंशियल डायरेक्शन दैट इज एम जी साइन थीटा माइनस के क्यू स्क्वायर बाय डी स्क्वायर कॉस थीटा राइट. सो यही हमें फाइंड आउट करना था. पहली जो ऑप्शन बी है वो क्या कहता है कि नेट फोर्स फाइंड आउट करो रेडियल डायरेक्शन में. रेडियल डायरेक्शन में नेट फोर्स जीरो है एंड टेंजेंशियल डायरेक्शन में जो नेट फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड ये है एम जी साइन थीटा माइनस के क्यू स्क्वायर बाई डी स्क्वायर कॉस थीटा. देखो यहाँ पे आपको सारी वैल्यूज पता है ना. मैं वैल्यूज पुट नहीं कर रहा हूँ आप पुट कर लेना. मास पता है जी का वैल्यू 10 है थीटा का वैल्यू आपको पता है के डी क्यू सब कुछ पता है. ओके और चेक करते हैं ऑप्शन बी हो गया ना. सी चेक करते हैं द टेंशन इन द बॉल. टेंशन आ गया था रेडियल डायरेक्शन में जब हमने नेट फोर्स जीरो किया था तो वहां से टेंशन आ गया था तो ऑप्शन सी भी हो गया. द एक्सेलरेशन ऑफ वन ऑफ द बॉल्स. सो एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना भी काफी सिंपल है. देखो यहाँ पे जो बॉल है ना उसके पास दो एक्सेलरेशन होंगे. एक रेडियल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा जो कि जीरो होगा इस केस में है ना. अभी जीरो है. क्यों जीरो है बिकॉज स्पीड जीरो है. रेडियल डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन आता है वो वी स्क्वायर बाय आर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आता है बिकॉज इस इंस्टेंट पे जो स्पीड है वो जीरो है. दैट्स व्हाई रेडियल डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन है वो जीरो है. और यू कैन सी रेडियल डायरेक्शन में फोर्स जीरो है दैट्स व्हाई रेडियल डायरेक्शन का एक्सेलरेशन जीरो है. काफी सारे यू नो एंगल से आप इसे स्टडी कर सकते हो. एनीवे सो जो एक्सेलरेशन आएगा वो सिर्फ टेंजेंशियल डायरेक्शन में आएगा. टेंजेंशियल डायरेक्शन का जो एक्सेलरेशन होगा दैट इज नेट फोर्स इन टेंजेंशियल डायरेक्शन डिवाइडेड बाय मास. सो इट विल बी ये जो यू नो टेंजेंशियल डायरेक्शन में नेट फोर्स हमने फाइंड आउट किया ना इसे हम मास से डिवाइड कर देते हैं. सो दैट विल बी जी साइन थीटा माइनस के क्यू स्क्वायर एम डी स्क्वायर कॉस थीटा राइट. सो यहाँ से देखो जो साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू है ना वो आप पुट कर सकते हो राइट. ये वाला ट्रायंगल आप ड्रॉ कर लेना. एक काम करना ये वाला आप ट्रायंगल देखो. इस ट्रायंगल में ये डी बाई टू है ना. डी बाई टू मीन्स 2.5 सेंटीमीटर और ये वाला 50 था राइट. और ये वाला एंगल थीटा था. सो पाइथागोरस थ्योरम से पहले ये वाली साइड फाइंड आउट कर लेना. ये साइड फाइंड आउट कर लोगे लेट्स से वाई ठीक है. फिर कॉस थीटा जहां पे भी पुट करना है तो कॉस थीटा होगा वाई अपॉन 50 एंड साइन थीटा जहां भी पुट करना है आपको वो होगा 2.5 डिवाइडेड बाई 50 राइट. ये आपको आता है. और y का वैल्यू वहां से आएगा. y का वैल्यू आएगा अंडर रूट ऑफ 50 का स्क्वायर माइनस 2.5 का स्क्वायर ठीक है. ये बेसिक चीज है. सो आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड. लेट मी नो इफ यू स्टिल हैव एनी कंफ्यूजन वी कैन डिस्कस फर्दर. ओके इसके वर्किंग आउट बेस्ट ऑफ लक.